आरएच ब्लड ग्रुप, आज हम आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली आरएच ब्लड ग्रुप या एबीओ सिस्टम के बारे में आप ऑलरेडी स्टडी करके आए हो, तो एमडीकेट में इसमें से 2-3 एमसीक्यूज निकलते हैं जिनको हमें स्टडी करना है। बेसिकली पहली तो ये बात, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम को किसने डिस्कवर किया था? आरएच ब्लड ग्रुप को कार्ल लैंड एक साइंटिस्ट था जिसने 1913 सेंचुरी में इसको डिस्कवर किया था। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है आरएच ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंड एक साइंटिस्ट था जिसने 1913 में इसको डिस्कवर किया था। बेसिकली अगर बात करें तो आरएच का मतलब क्या है, आरएच का मतलब ये है रेजियस। आरएच का मतलब क्या है? रेजियस, यानी कि रेजिस नॉन की एक थ्योरी दी गई थी, एक बंदर के ऊपर रिसर्च की गई थी, बंदर का ब्लड चेक किया गया था, उसमें इन्होंने आरएच फैक्टर को देखा था, आरएच फैक्टर को देखा था। उसके बाद कार्ल लैंड का ये कहना था कि जिसमें भी आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा वो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट था इसको समझने के लिए आरएच ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया गया था। तो कार्ल लैंड का कॉन्सेप्ट ही यही था कि जिसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, और जिसमें प्रेजेंट नहीं होगा वो नेगेटिव होगा। उसके बाद अगर बात करें सेकंडली, तो हमारे पास एबीओ में आपने पढ़ा है हमारे पास चार ब्लड ग्रुप आ जाते हैं। तो हमारे पास एबीओ में चार ब्लड ग्रुप आ जाते हैं, उन चार में से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास टोटली बनते हैं आठ, क्योंकि हमारे पास चार पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होते हैं, चार नेगेटिव भी होते हैं, यानी फोर नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, फोर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो बेसिकली हमारे पास ब्लड ग्रुप कितने आ गए? आठ आ गए। तो बेसिकली ये बात समझने की है कि जो हमारे पास ये ब्लड ग्रुप है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए बी हो गया, और ये ओ हो गया, हमारे पास ब्लड ग्रुप है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर हम बात करें कि ये ए नेगेटिव भी है, बी नेगेटिव भी होता है, ए बी नेगेटिव भी होता है, और नेगेटिव भी होता है, तो हमारे पास बेसिकली आठ ब्लड ग्रुप आ गए। तो इनके ऊपर जो साइन लगी होती है ना, ये प्लस और माइनस की, इस साइन को बोलते हैं आरएच। क्या बोलते हैं इसको? साइन को बोलते हैं आरएच। तो बेसिकली हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि आरएच फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, इसीलिए दिया गया था कि हमें ये समझना चाहिए कि कौन से ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हैं और कौन से नेगेटिव हैं। तो जिसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा वो ब्लड ग्रुप कौन से होंगे? पॉजिटिव होंगे, और जिसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होंगे। तो बात करने की समझने की है, तो आगे चले। नेक्स्ट जो बात थी कार्ल लैंड की, ये कहना था कि हम हर ब्लड ग्रुप में दो चीजें आ जाती है। अगर हम सारे ब्लड ग्रुप देख लें तो उनमें दो चीजें आ जाती है, एक आ जाता है एंटीजन ए, दूसरा आ जाता है एंटीजन बी। तो इसमें दो एंटीजन आ जाते हैं, एक एंटीजन ए आ जाता है, दूसरा एंटीजन बी आ जाता है। गौर से समझने वाली बात है, अगर हम एंटीजन ए को देख लें और एंटीजन बी को, तो इसका कॉन्सेप्ट ब्लड ग्रुप में क्या है? जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए आएगा वो ब्लड ग्रुप कौन सा कहलाएगा बेटा? ए ग्रुप कहलाएगा। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है जिसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होगा ब्लड ग्रुप में तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाएगा? ए ब्लड ग्रुप कहलाएगा। और जिसमें एंटीजन बी ब्लड ग्रुप आएगा तो वो, जिसमें एंटीजन बी आएगा वो ब्लड ग्रुप कौन सा कहलाएगा? ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा। जिसमें एंटीजन बी आएगा वो कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाएगा बेटा? बी कहलाएगा। और जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों आ जाएं तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा कहलाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा। कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा। और जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट ना हो तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा कहलाएगा? ओ ब्लड ग्रुप कहलाएगा। तो बेसिकली ये बात समझाई गई थी कार्ल लैंड ने कि हमें ब्लड ग्रुप का पता कैसे चले कि कौन से ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और कौन से नेगेटिव है, और एंटीजन्स ए और बी का कॉन्सेप्ट यही बताया था जो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में दिया गया। इसीलिए हम इसको एडिशनल ब्लड ग्रुप यानी एबीओ सिस्टम